सुशांत जी अलवर से हमारे आए हुए और ये भी अपने वहां पे एक एनिमल रेस्क्यू शुरू करना चाहते हैं, यही आपकी इच्छा है। तो मैंने सुशांत जी को थोड़ा बताना था कि किस तरह से ये चीजें शुरू कर सकते हैं, तो हम मुझे लगा कि ये वीडियो बना सकते हैं और हम और भी लोग इससे बेनिफिट कर पाएंगे जो यहाँ पे नहीं आ पा रहे। आप मुझे पहले तो ये बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, बिकॉज आप रेस्क्यू खोलना चाहते हैं या आप शेल्टर खोलना चाहते हैं और कुत्तों का करना चाहते हैं, गाय का? आप जो आवारा हैं, जो जिनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है उनका ट्रीटमेंट मिल जाए, उनको शेल्टर मिल जाए और एक स्मॉल शेल्टर होम बन सके उनके लिए, जिनको हम डॉक्टर्स को स्पेशली इन्वाइट करके उनका ट्रीटमेंट भी दे सकें और फीड भी हम रेगुलर बेसिस पे फीड भी जितना हम करा सकें उनको फीड करा सकें। और वो हमारा कंसेप्ट नहीं है कि हम उनको करके और फिर हम उनको अडॉप्शन वगैरह में दें, हमारा कंसेप्ट यही है कि उनको एक हम स्मॉल जो हम अपने तरफ से उनको ट्रीटमेंट दे सकें। तो ट्रीटमेंट दे के वापस आप रिलीज कर देंगे? हाँ, रिलीज कर। ओके, तो देन ओके, तो जो सबसे बड़ी बात है ना वो है डिफरेंशिएट करना कि एक रिकवरी सेंटर और एक शेल्टर, इन दोनों में फर्क रहता है। रिकवरी सेंटर हो गया कि इलाज के दौरान आपने उनको एक सेफ जगह दे रखी है जहाँ पे वो ठीक हो सके, और शेल्टर हो गया कि भाई जो जानवर अब सड़क पे जा नहीं सकता किसी भी कारणवश और उसको घर भी नहीं मिल रहा तो उसको आश्रय देना। जी ठीक है, तो ये दोनों में अलग, बिल्कुल अलग है, बट शुरुआत हम रिकवरी पॉइंट से करेंगे। ठीक है, और फिर हम शेल्टर की तरफ। तो ईजीएस्ट जो है ना शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप ट्रीट ऑन स्ट्रीट से शुरू करें। ट्रीट ऑन स्ट्रीट हो गया कि भाई आपने जैसे जैसे अगर आपने खुद ही फर्स्ट एड सीख ली, या तो आप खुद फर्स्ट एड सीख लें, या मान लीजिए कि भाई आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप इसको उसके साथ में चलाना चाहते हैं, तो आपने एक पैरावेट बंदा हायर कर लिया, फिर उसके पास एक दोपहिया वाहन होना चाहिए, स्कूटी बाइक, जिससे वो जा सके। आपने एक दायरा एस्टैब्लिश कर लिया कि भाई मैं इतने 10-20 किलोमीटर रेडियस में जब मुझे फोन आएगा तो मैं वहां पे आपको पैरावेट भेज दूंगा। तो उसमें क्या है कि आप उन लोगों के साथ ज्यादा काम करेंगे जो फीडर हैं, जैसे जो कॉलोनी में अपने कुत्तों को खाना खिलाते हैं, एक दिन वो देखता है भाई इसको चोट लगी हुई है, उसको पता नहीं क्या करना है, वो आपको फोन करेगा, आप अपना बंदा डिस्पैच कर देंगे, वो जाके वहां पे डेली ट्रीटमेंट आपका शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि एक बंदा एडमिनिस्ट्रेटिव देखेगा, जो कॉल्स देखेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, और एक बंदा जाके ट्रीटमेंट करेगा। इसमें आप लो कॉस्ट शुरू कर सकते हो, आपको कोई जगह नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को जगह की। ठीक है, अब इससे आपका थोड़ा अनुभव भी शुरू हो जाएगा, साथ ही साथ बहुत जरूरी है अपने जो सारे प्रयास है ना इसको डॉक्यूमेंट करना। अब डॉक्यूमेंट करने के दो कारण ये है कि एक तो और लोग जो आप ही की कश्ती में है कि भाई यार मैं कुछ करना चाहता हूँ समझ नहीं आ रहा, वो आपसे प्रेरणा लेंगे। मैं आपको बता नहीं सकता ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक एक करके एक एक्स नंबर जानवर की मदद कर सकते हो, पर जैसे ही एक भी बंदा आप इंस्पायर करते हो आपका एफर्ट दुगना तिगुना चार गुना होता जाएगा। वन सेकेंड, आपको सस्टेनेबली काम करने के लिए फंड्स चाहिए, वो फंड्स लोग आपको, लोग देने को तैयार हैं, लोग अच्छे काम में पैसा देना चाहते हैं, द ओनली प्रॉब्लम इज की ट्रस्ट फैक्टर नहीं आता। तो जब लोग देखेंगे ना कि भाई ये बंदा काम कर रहा है तो वो खुद से आपसे जुड़ते जाएंगे, तो आपको एक फंड रेजिंग पे भी टाइम स्पेंड करना है। तो आपको अपना समय तीन चीजों पे डिवाइड करना है, एक जो काम आप कर रहे हैं, दूसरा उस काम को डॉक्यूमेंट करना, एंड तीसरा जो आपके डोनर्स हैं उनसे करना, भाई मुझे महीने का मेरा इतना खर्चा है तो मुझे आप एक्स 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 पैसे दोगे तो मेरा काम चला रहेगा। अब एक बार आपका ट्रीट ऑन स्ट्रीट शुरू हो जाता है तो आपके पास जैसे जगह है, आपने ही बोला ना आपका लैंड है, मान लीजिए आपका लैंड नहीं है, आपने किराए पे लेनी है, खरीदनी है, जो भी, तो उसके बाद वहां पे डिपेंडिंग आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरे पास किस तरह के केसेस आते हैं, आपको एक जमीनी जायजा हो जाएगा ना कि किस तरह के केसेस ज्यादा आते हैं, भाई 90% केसेस कुत्तों के आते हैं, 10% केस गाय के आते हैं, बट तो उस अनुसार आप उस लैंड पे वो चीज बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने बिल्ड कर लिया वहां पे, अब आप एक केयर टेकर आपको चाहिए होगा, जाहिर सी बात है रात को अगर जानवर वहां रह रहा है, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा आ गया आपका फूड, क्लीनिंग, वाटर एंड शेल्टर, ये चार चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो आप उस अनुसार अपना बिल्ड कर लिया, आपने केयर टेकर रख लिया, फिर आपकी एक जगह बन गई, फिर आप नेक्स्ट जो इसका स्टेप है उसका, इसको भी आप डॉक्यूमेंट करोगे, यहां से भी आप फंड रेज करोगे। अब आपके पास फंड अगर पर्याप्त मात्रा में आ जाते हैं तो नेक्स्ट आपका स्टेप होगा एक डॉक्टर रखना।
डॉक्टर रखने से एक आपका एकदम खर्चा कम हो जाएगा कि जो भी आप बाहर के डॉक्टर्स को पैसा दे रहे थे, क्योंकि पैरावेट तो सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकता है ना, जो बाहरी इंजरी है डायग्नोसिस के लिए तो आपको बाहर के डॉक्टर से परामर्श करना पड़ता है, तो वो आपका खर्चा बचेगा। सेकंड, जब आप क्लिनिक शुरू कर लेंगे तो जो आसपास पेट्स हैं जो आपके पास आएंगे तो उनसे आप थोड़ा पैसा रेज कर सकते हैं, जो अपना पालतू पशु ला रहा है उससे तो आप पैसा ले ही सकते हैं ना। तो इस तरह करते 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 आप ग्रेजुअली बिल्ड कर सकते हैं। और लास्ट होगा कि भाई आपको लगता है कि भाई मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं, जैसे हम आपको अपना एग्जांपल दें कि एक गाय आई, उसका यहाँ पे इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान उसने बछड़ा दे दिया। अब वो बछड़ा जो है उसको आप सड़क पे नहीं छोड़ सकते, वो यहाँ पैदा हुआ है, उसके अनुसार लोग उसको प्यार करते हैं, उसके अनुसार दिन में दो टाइम खाना मिलता है, पानी मिलता है, उसको सड़क पे छोड़ दो, लोग डंडा मारते हैं, सड़क पे गाड़ियां हैं, तो वो उसके साथ फेयर नहीं है। तो आपको या तो किसी शेल्टर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा या आपको अपना एक शेल्टर शुरू करना पड़ेगा ऐसे केसेस के लिए, वो आपका एक फाइनल स्टेप होगा। तो इसके अलावा आप बताइए, आपके कोई सवाल हैं, आपको ये बात मैंने ज्यादा कंसाइज में तो नहीं बता दिया? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बताया। बट जो सबसे पहला डिसीजन होता है वो प्लानिंग का, कि हमें उस तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हम उसके लिए ठीक हैं नहीं है, वो जो फैक्टर है ना, एक्चुअली वहाँ पे एनालिसिस रुका हुआ रहता है, वहाँ उसको उस बैरिकेड्स को तोड़ना वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप वाला आपने जो बताया वो वहाँ से है कि हमने डिसाइड कर लिया कि ये आज करना है, वहाँ से पहले का जो है कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सही, और करेंगे और फिर छोड़ दिया तो फिर उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे अपने माइंड पे, तो वो जो फैक्टर एनालिसिस करते ही रहते हैं, वो एक हैबिट में भी बना हुआ है एक्चुअली में, कि बहुत ज़्यादा उसका एनालिसिस करना, कईयों की हैबिट होती है कि नहीं छोड़ो करना है तो करना ही, बट कईयों की आदत होती है उसको एनालिसिस करते ही रहते हैं, वो जमीनी में चीज़ें नहीं आ पाती हैं, तो वो चीज़ें क्योंकि आपने भी जब स्टार्ट किया होगा तो आपके सामने भी बहुत सारी चीज़ें होंगी कि नहीं ये करना है ये नहीं करना, वो जो पीरियड है उसको मन, क्योंकि वो सब चीज़ें यही होनी है, उसके लिए ना आपको कहीं रिसोर्सेज देखने हैं कुछ, वो सिर्फ यही है, तो उसका कंसेप्ट ठीक है। तो उसमें ना देखिए, दो मोटे तौर पे दो फियर्स होते हैं, एक तो ये है कि आपको अपनी एक एग्जिस्टिंग लाइफ को आप छेड़ रहे हो, वो आपका एक सिस्टम चला हुआ था, नॉर्मल लाइफ चल रही थी, आप उसको छेड़ रहे हो तो इससे डर लगता है। तो इसमें तो यह देखिए कि कौन सा डर आपके लिए बड़ा है, कि ये जो मेरी एग्जिस्टिंग लाइफ है मैं इससे छेड़ा खानी कर रहा हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, या ये डर कि यार मैं लाइफ में बिना कुछ किए मर जाऊँगा। तो अगर आपका ये डर बड़ा है ना कि मैं 60-70-80 का हो जाऊँगा, मैं डेथ बेड पे हूँ, मैं सोचूंगा मैंने ज़िंदगी में किया क्या, सिर्फ कम्फर्टेबल रहा मैं, एसी में बैठा रहा, टीवी देखा, खाना खाया, इससे अच्छा तो मतलब, तो अगर वो डर आपका बड़ा है तो आप इस डर से ऊपर उठ ही जाओगे। तो मेरे लिए तो ये डर बड़ा था, ठीक है। सेकंड आ जाता है कि क्या मेरे बस का है ये काम। अब उसमें देख पता है सबसे इम्पोर्टेंट आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन वगैरह, सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी इंटेंशन, क्योंकि दुनिया में अच्छी इंटेंशन वाले लोग बहुत कम हैं। तो अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है ना तो दैट मेक्स यू क्वालिफाइड टू स्टार्ट। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, हमारा मोर्टैलिटी रेट कई बार हाई हो जाता है। तो अब आप सोचो कि यार मैं 100 जानवर ला रहा हूँ, इसमें से 60 जानवर तो मर ही रहे हैं या 70 जानवर मर रहे हैं, सिर्फ मैं 30 को बचा पा रहा हूँ, तो मैं क्वालिफाइड हूँ भी या नहीं। पर सोचने वाली बात यह कि अगर आप यहाँ पे ये ना शुरू करें वो 100 के 100 मरेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू आर इन बिजनेस ऑफ सेविंग लाइव्स, जब भी आप गलती करेंगे तो कोई मरेगा, खेदजनक बात है पर इतनी नहीं कि आप वो काम ही ना करो। मैं कह रहा हूँ कि 100 में से आप 1 को बचा पाते हो, बचाया तो ठीक है, और ग्रेजुअली जब आप करोगे तो आपके साथ क्वालिफाइड लोग जुड़ते जाएंगे, आपके खुद का जो अनुभव है वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि मेरी इंटेंशन ठीक है, उसके बाद भूल चूक तो माफ है, इसमें कोई नहीं। हमेशा आप वो एक एनालिसिस कर सकते हो ना, जैसे मैं बताता हूँ, लोग सोचते हैं कि अगर मैं ये करता हूँ तो ये होगा ये होगा ये होगा, वो ना उसकी बड़ी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज आती हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो उसका क्या होगा, तो वो बड़ा एक क्लियर सा आ जाता है कि अगर मैं ये रेस्क्यू नहीं खेलता सारे के सारे जानवर मरेंगे,
तो उससे बेटर है खोलना, उससे बेटर है कि आप एक ऐसा रेस्क्यू खोल रहे हो जिसमें आप 99% जानवर को नहीं बचा रहे, एक को तो बचा रहे हो। मैं नहीं कह रहा दैट इज द आइडियल यू शुड स्ट्राइव फॉर, बट बेयर मिनिमम आप वो तो कर ही लोगे। मैं कह रहा हूँ आप 100 के 100 को नहीं बचा पाते, आप कम से कम उनकी डेथ कंफर्टेबल कर दोगे। ये भी बात है। तो काफी कुछ आसान तो कर दिया आपने। और दूसरा एक सवाल और था कि एक्चुअली में कुछ बार वो जो एनालिसिस जो चलता है माइंड में वो टाइम को भी लेकर चलता है कि अभी मेरे पास ऑलरेडी ऐसे चैलेंजेस है कि मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना है या मेरे को ये चीज़ें करनी है। बहुत से लोगों के अपने अपने स्टेप्स होते हैं ड्रीम्स के कि भाई मुझे कर लेना है, यहाँ सेटल होना है, ये करना है, कैरियर बनाना है, इस टाइम करना है, फिर उसके बाद ये करेंगे। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली भी मैंने अपने जो एनालिसिस किया कि ये चीज़ें मैंने बहुत पहले सोची थी कि ये कर लेंगे तब ये हो जाएगा, बट आज अब वो सोचने अरे वो शुरू ही कर देते तो साथ साथ आज वो कुछ इस लेवल पे आ जाता। तो वो जो टाइम का सोचना करना होता है उसमें भी काफ़ी टाइम जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है और वो डिसीजन नहीं आ पाता है, क्योंकि वो जो अपने चैलेंजेस और चल रहे होते हैं लाइफ के, फाइनेंशियली हमें स्ट्रॉन्ग होना है, सोसाइटी में एक पोजीशन अटेंड करनी है, तो उसके बाद हम ये फिर शुरू करें, तो वो फैक्टर भी आता है साइड में। मेरे लिए ये पता कब आसान हुआ, बुद्ध ने ना एक बात कही है, महात्मा बुद्ध ने, कि उन्होंने तो हिंदी बोला हुआ मुझे इंग्लिश नहीं याद है, प्योरिटी ऑफ हार्ट लाइज इन वांटिंग वन थिंग ओनली। अब क्या है कि मान लो आप लाइफ में एक ही चीज करना चाहते हो, मुझे सेवा करनी है, तो आपने अपना एक ध्येय बना लिया, तो फिर जो सब कुछ आप कर रहे हो ना वो उसकी सर्विस में, फिर ये नहीं है कि मैं ये कर लूंगा फिर मैं ये करूंगा, और अगर वो है भी तो वो फिर आपके सीढ़ी के स्टेप्स हैं। कि अगर आप कहते हो कि भाई मुझे एक्स अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए, तो ठीक है, तो वो उसका स्टेप है ना, क्योंकि आपको एक्स अमाउंट ऑफ पैसा क्यों चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको स्टेटस चाहिए, आपको BMW खरीदनी है, इसलिए कि आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं ताकि आप चिंता मुक्त होकर ये काम कर पाए, तो वो सब कुछ बड़ा अलाइन हो जाता है। एक बार अपने आपने एक ध्येय बना लिया, और जो चीज उस ध्येय के साथ फिट नहीं होती वो ऑटोमेटिकली फेड आउट हो जाती है। मुझे मॉरिशियस ट्रिप पे जाना है, क्यों जाना है भाई, मजे के लिए, और ये तो मेरा जो ध्येय है सेवा करने का उससे अलाइन करता नहीं, मैं समय भी खराब करूंगा पैसा भी, लेट इट स्लाइड। तो उससे बहुत चीजें लाइफ में फिल्टर हो जाती हैं। अब ये बड़ी मैं आइडियल बात कर रहा हूँ, हमारा एक इमोशनल कॉम्पोनेंट भी होता है, जैसे मेरा ध्येय यही है कि मैं जी इसीलिए रहा हूँ, मुझे सेवा करनी है, बट डजंट मीन कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो नहीं जाता, क्योंकि डिसिप्लिन एक अलग चीज़ है। रैशनली नोइंग कि भाई मुझे ये नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने अभी किन्हीं का इंटरव्यू लिया था, उनको उनसे मैं मिलने गया तो उनके ड्राइववे में ऐसे बड़ी लाल चमकती हुई ऑडी खड़ी थी, तो थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि यार होनी चाहिए थी, सही लग रही थी, बट फिर डिसिप्लिन की बात आ जाती है कि नहीं यार ये शैलो बात है, क्या करेगा तू ऑडी का, है ना, नहीं फोकस। तो वो दो बातें हैं कि एक आप पॉज लेके सोच पाओ कि ये जो भी मैं एक्शन ले रहा हूँ ये इन सर्विस टू अ लार्जर गोल है या नहीं है, एंड सेकंड क्या अब आप उस डिसीजन के साथ स्टिक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जैसे मेरे साथ सिगरेट पीने में ये बहुत होता है, मैं सिगरेट पी लेता हूँ, आजकल मेरी थोड़ी बढ़ गई है, मुझे नहीं पीनी चाहिए, मेरी हेल्थ के लिए सही नहीं है, सफरिंग फुटप्रिंट है, अननेसेसरी है, यू नो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होता इसका फिल्टर, तो मुझे पता है नहीं पीनी चाहिए, पर डिसिप्लिन नहीं हुई इतना कि उस फैसले पे स्टिक कर पाऊं, तो वो तो विद टाइम आएंगे होता रहेगा। थोड़ी क्लैरिटी आपको मिली या मैं ज्यादा बोल रहा हूं? नहीं बिल्कुल मिल रही है। ओके क्लैरिटी मिल रही है, कुछ चीजें सॉल्व हुई है माइंड में। हाँ तो और अगर आप मुझे, आपकी शादी हो चुकी है? ओके तो एक वो भी फैक्टर होता है, कई बार अधिकांश केसेस में होता क्या है कि हम पारिवारिक बंधनों में बंध जाते हैं और फिर जीने का तात्पर्य समझ में आता है। अब जरूरी नहीं कि उस समय दोनों जो पार्टनर्स हैं वो अलाइंड भी हों, तो ये मैंने देखा है लोगों को थोड़ी समस्या आती है, तो ये तो संवाद से ही सुलझाई जा सकती है। अल्टीमेटली तो फिर ये आ जाता है कि भैया देखो
मुझे तो ये करना है। देख लो। अभी देखो थोड़ी कड़वी बात है, पर अब मुझे अगर अपनी शादी में से या हजार गाय में से, हजार गाय को बचाना, शादी को बचाना, मैं हजार गाय चुनूंगा। आई होप शिवानी देखे ना, बाकी सब ठीक है। क्योंकि देखिए आपका जन्म हुआ है वो सिर्फ आपके अपने या सिर्फ परिवार जनों के लिए नहीं हुआ, परिवार वालों की आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आर्थिक जिम्मेदारी आप पे, अगर वो किसी परेशानी में वो जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन उनकी जो इमोशनल एक्सपेक्टेशंस है आपसे, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो उनकी खुद की जिम्मेदारी है। पर इंडिया में खासकर ये बहुत मुश्किल है समझना, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है। मैं थ्योरेटिकल आपको बता रहा हूँ, जब लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो वो एक्सपेक्टेशंस को लेट डाउन करने में आत्मा मर सी जाती है, इतना इजी नहीं होता। मतलब अनजान लोग ही हैं मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे पास समय नहीं होता, मुझे कहना पड़ता है आई एम सॉरी। तो क्योंकि बचपन से ही ना घर वालों ने ऐसे घोट घोट के भरा होता है कि तुम जब उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते तो इतना सुनाया जाता है, तो वो सर्किट दिमाग में बन जाता है। तो अब बचपन से बड़े हो भी गए ना, तब भी वो सर्किट है वहीं पे कि भाई अगर मैंने किसी की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं की तो मैं बुरा हूँ। ये मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता आपका बचपन कैसा था। सबको ही रिलेट करता है, कहीं ना कहीं तो सभी से रिलेट। हाँ वही ना, बस ऐसा तो नहीं है इसकी वजह से कॉन्शियस हो रहा है, इसको बंद कर दूं? नहीं, हाँ कर सकते हैं आपके, क्योंकि आप मुझे लग रहा है पूछना चाहते हैं, इस पे नहीं पूछ पा रहे। हाँ पूछता है।